एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल है फार्माकेमिकल डिजिटल लाइब्रेरी और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ यूएसओपी फॉर कोविड-19 फॉर होम, यानी कि घर पर रहकर हम कोविड-19 से कैसे बचाव कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, उनको अपने जीवन में लाइए, इससे हम कोविड-19 से बचाव कर सकते हैं। ये पूरी इंग्लिश में है पर मैं हिंदी में भी आपको समझाऊंगी, तो चलती है। पॉइंट वन, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि क्या होता है, उद्देश्य। टू ले डाउन द प्रोसीजर फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 एट होम, यानी कि घर पर कोविड-19 से बचाव के लिए क्या प्रक्रिया करनी चाहिए। 2.0, स्कोप। दिस प्रोसीजर इज एप्लीकेबल टू होम ऑफ एवरीवन, यह प्रक्रिया सभी के लिए सभी घर पर लागू होती है, यानी कि जो घर में रहते हैं उनको सबके लिए। 3.0, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जिम्मेदारी किसकी है, एवरी मेंबर ऑफ होम, घर के पूरे सदस्यों की यानी कि जिम्मेदारी है। 4.0, अकाउंटेबिलिटी। हाउसवाइफ इन होम, घर में जो गृहिणी होती है उनकी जवाबदेही है। प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया क्या है कोविड-19 से बचने के लिए। फर्स्ट पॉइंट 5.1, विजिट टू द मार्केट, यानी कि उनमें पॉइंट 5 में पॉइंट 1 है, ऑलवेज वियर अ ट्रिपल लेयर और N95 नोज मास्क और यूज फेस कवर व्हेन यू गो आउट ऑफ योर होम, यानी कि हमेशा अपने घर से बाहर जाने पर एक ट्रिपल लेयर और N95 मास्क पहने या फेस पर कवर करें, जैसे गमछा या दुपट्टे का हम उपयोग करते हैं। 5.1.2, वियर डेडिकेटेड प्लास्टिक स्लीपर फॉर द मार्केट, यानी कि बाजार के लिए समर्पित प्लास्टिक चप्पल पहने, यानी कि दूसरी चप्पल हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। 5.1.3, मेक अ डिस्टेंस ऑफ मिनिमम 6 feet फ्रॉम एनी पर्सन और शॉपकीपर इन द मार्केट, बाजार में किसी भी व्यक्ति या दुकानदार से न्यूनतम 6 feet की दूरी बनाए रखें। 5.1.4, डोंट टच एनीथिंग अननेसेसरीली आउटसाइड योर होम, अपने घर के बाहर किसी भी चीज़ को अनावश्यक रूप से स्पर्श न करें। 5.1.6, डोंट टच योर फेस विथ योर हैंड व्हेन यू आर आउटसाइड योर होम, जब आप अपने घर से बाहर होते हैं तो अपने हाथ से अपना चेहरा न छुए। 5.1.6, कीप अ स्मॉल पैक ऑफ हैंड सैनिटाइजर कंटेनिंग 70% ऑफ अल्कोहल इन विथ यू एंड ऑलवेज सैनिटाइज योर हैंड्स इफ यू फील यू टच एनीथिंग सस्पिशियस इन द मार्केट। हैंड सैनिटाइजर 70% अल्कोहल युक्त का एक छोटा सा पैक अपने साथ रखें, और अगर आपको लगता है कि आपने बाजार में से किसी भी चीज़ को छुआ है तो आप अपने हाथों को तभी साफ कर दें। 5.1.7, ट्राई टू कीप वे द मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी व्हेन क्राइंग फ्रॉम मार्केट, इट इज़ बेटर टू हैव अ प्लास्टिक बकेट विथ यू व्हेन गोइंग टू द मार्केट, पुट द मटेरियल इज बकेट एंड कैरी टू इट टू योर होम, बाजार से ले जाते समय अपने शरीर से सामग्री को दूर रखने की कोशिश करें, यानी कि बाजार जाते समय अपने साथ बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी रखना बेहतर होता है, सामग्री को बाल्टी में डालकर अपने घर ले जाए। 5.1.8, गो टू मार्केट ओनली व्हेन इट इज़ अर्जेंट, यानी ट्राई टू गो वंस और
ट्वाइस इन अ वीक, केवल तभी बाजार जाए जब यह ज़रूरी हो, सप्ताह में केवल एक या दो बार जाने की कोशिश करें। नोट क्या है, यू डोंट नीड टू वियर अ नोज मास्क एट होम अनलेस यू हैव इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। नोट में क्या है, जब तक आपको इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी न हो आपको अपने घर पर नाक का मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। 5.2 पेमेंट इन मार्केट, 5.2 यानी कि बाजार में भुगतान, 5.2.1 ट्राई टू मेक डिजिटल पेमेंट्स यूजिंग पेटीएम ऐप, भीम ऐप और यूअर बैंक ऐप। पेटीएम ऐप, भीम ऐप या अपने बैंक ऐप का उपयोग करके डिजिटल भुगतान करने का प्रयास करें। 5.2.2 डोंट टेक पेपर करेंसी फ्रॉम एनी शॉपकीपर बिकॉज इट मे कैरी कोरोना वायरस। किसी भी दुकानदार से कागजी मुद्रा न ले क्योंकि यह कोरोना वायरस ले जा सकता है। हम जो पैसा यूज करते हैं वो कागजी मुद्रा नहीं चाहिए, इसलिए हम ऐप का यूज करेंगे। 5.2.3 इफ यू गिव पेपर करेंसी नोट टू द शॉपकीपर देन परचेस विथ होल अमाउंट एंड डोंट टेक मनी बैक। यदि आप दुकानदार को कागजी मुद्रा देते हैं तो पूरी राशि के साथ खरीदारी करें और पैसे वापस न ले। 5.2.4 इफ इन एनी सर्कमटेंस यू टेक पेपर करेंसी फ्रॉम मार्केट देन कीप इट इन यूअर हैंड अंटिल यूअर होम एंड डिसइंफेक्टेंट इट यूजिंग क्लॉथ आयर इन करेंसी ऑन बोथ साइड पर्सन विजिटेड द मार्केट विल नॉट टच द आयरन ही विल पुट द करेंसी नोट ऑन सरफेस एंड अदर फैमिली मेम्बर्स विल आयरन। ये पॉइंट में क्या बताए हैं, यदि किसी भी परिस्थिति में आप बाजार से कागजी मुद्रा लेते हैं तो इसे अपने घर तक अपने हाथ में रखें और कपड़े वाली प्रेस का उपयोग करके इस कीटाणु रहित यानी कि प्रेस उस पर लगानी चाहिए। दोनों तरफ से करेंगे करेंसी यानी कि पैसे को प्रेस करें। बाजार का दौरा करने वाला व्यक्ति प्रेस को न छुएगा, वह मुद्रा नोट को सतह पर रखेगा और परिवार के अन्य सदस्य प्रेस करेगा। 5.2.5 डिसइंफेक्टेंट द करेंसी कॉइन्स विथ 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर और सोप एंड वाटर। अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर या साबुन और पानी के साथ मुद्रा के सिक्के को निष्क्रिय करें। 5.2.6 वॉश यूअर हैंड विथ सोप एंड वाटर आफ्टर करेंसी डिसइंफेक्शन। मुद्रा कीटाणु शोधन के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से धो लीजिए। 5.3 यूज ऑफ पब्लिक लिफ्ट एंड स्टेयरकेस। हम सार्वजनिक लिफ्ट या सीढ़ी का उपयोग करते हैं, इसके कुछ बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। 5.3.1 इट इज बेटर टू यूज स्टेयरकेस इंस्टेड ऑफ पब्लिक लिफ्ट इन करंट सिचुएशन। वर्तमान स्थिति में सार्वजनिक लिफ्ट के बजाय सीढ़ी का उपयोग करना बेहतर है। 5.3.2 डोंट टच द स्टेयरकेस विथ यूअर हैंड। सीढ़ी को अपने हाथों से स्पर्श न करें। 5.3.3 इफ इट इज रिक्वायर्ड टू यूज लिफ्ट देन कीप सम पेपर पीसेस इन यूअर पॉकेट एंड टच द पुश बटन विथ यूअर फिंगर कवर्ड विथ पेपर। यदि लिफ्ट का उपयोग करना आवश्यक है तो अपनी जेब में कुछ कागज़ के टुकड़े रखें और अपनी उंगली को कागज़ से ढककर पुश बटन
को स्पर्श कर सकते हैं। 5.3.4 रिमूव एंड थ्रो द पेपर इन द वेस्ट बिन इमीजिएटली व्हेन यू कम आउट द लिफ्ट विदाउट टचिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। जब आप लिफ्ट के बाहर आए तो कागज़ को बाहर की तरफ से बिना छुए तुरंत निकाले और डस्टबिन में फेंके। 5.3.5 मेंटेन मिनिमम 6 feet डिस्टेंस फ्रॉम अदर इन लिफ्ट। इट इज़ बेटर टू यूज़ इट इंडिविजुअली। लिफ्ट में दूसरों से न्यूनतम 6 feet की दूरी बनाए रखें। लिफ्ट को अकेले उपयोग करना बेहतर है। 5.4 एंट्रेंस इन होम। अभी गृह में प्रवेश कैसे करें। 5.4.1 डोंट टच द डोर। कॉल हाउस मेंबर्स टू ओपन द डोर व्हेन यू एंटर। दरवाजे को स्पर्श न करें। जब आप प्रवेश करते हैं तो घर के सदस्यों को दरवाज़ा खोलने के लिए कहें। 5.4.2 पुट द मटेरियल एट अ डेडिकेटेड प्लेस नियर द डोर लाइक अ टेबल और एनी बॉक्स। सामग्री को किसी टेबल या किसी बॉक्स में दरवाजे के पास समर्पित स्थान पर रखें। 5.4.3 गो टू वॉशरूम एंड वॉश यूअर हैंड एंड फेस विथ सोप फॉर एट लीस्ट 20 seconds। वॉशरूम में जाए और कम से कम 20 seconds के लिए अपने हाथों और चेहरे को साबुन से धोए। 5.4.4 पुट ऑफ यूअर क्लॉथ्स एंड डिप दोज डिटर्जेंट सोल्यूशन एंड बाथ विथ सोप। यू कैन स्कीप द स्टेप इफ यू फील दैट यू हैव नॉट विजिटेड द क्लाउडेड एरिया। अपने कपड़े उतारे और डिटर्जेंट के घोल में डुबोए और साबुन से नहाइए। यदि आपको लगता है कि आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं गए है तो आप इस कदम को छोड़ सकते हैं। 5.4.5 वॉश यूअर प्लास्टिक स्ट्रीट स्लीपर प्रॉपरली विथ डिटर्जेंट सोल्यूशन। डिटर्जेंट के साथ अपने प्लास्टिक स्ट्रीट चप्पल को ठीक से धोए। 5.5 विजिट द आउटसाइडर यानी कि बाहरी व्यक्ति का दौरा। 5.5.1 इफ एनी वन आउटसाइडर लाइक प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक्स विजिट्स यूअर होम देन मेक श्योर ही डज नॉट हैव फीवर। यू कैन चेक इट विथ इंफ्रारेड थर्मोमीटर। बाहरी व्यक्ति के दौरे में पॉइंट क्या है। यदि किसी व्यक्ति जैसे प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक आपके घर में आता है तो सुनिश्चित करें कि उसे बुखार नहीं है। आप इसे इंफ्रारेड थर्मामीटर से जांच सकते हैं। 5.5.2 फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउ हिम टू सैनिटाइज हिज हैंड्स विद सैनिटाइजर और सोप एंड वाटर। सबसे पहले उसे अपने हाथों को सैनिटाइजर या साबुन और पानी से साफ करने के लिए कहे। 5.5.3 डोंट अलाउ हिम टू टच एनीथिंग एक्सेप्ट हिज वर्क। अपने काम के अलावा उसे कुछ भी छूने की अनुमति न दें। 5.5.4 सैनिटाइज द प्लेस एंड इक्विपमेंट्स ही यूज विथ सोप सॉल्यूशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम पूरा होने के बाद साबुन के घोल के साथ उस स्थान और उपकरणों को साफ कर ले। 5.6 घर डिसइंफेक्शन ऑफ होम। घर का कीटाणु शोधन यानी कि घर से हम कीटाणु कैसे निकाल सकते हैं। 5.6.1 मॉप द फ्लोर डेली इन द मॉर्निंग विथ 2% डिटर्जेंट सॉल्यूशन 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। 2% डिटर्जेंट के घोल 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल के साथ प्रतिदिन सुबह फर्श को साफ करें। 5.6.2 डिसइंफेक्ट द मेन डोर हैंडल एंड डोर बेल।
विथ 70% अल्कोहल बेस्ड लिक्विड सैनिटाइजर। मुख्य दरवाजे के हैंडल और डोर बेल को 70% अल्कोहल आधारित लिक्विड सैनिटाइजर से साफ करें। 5.7 डिसइंफेक्शन ऑफ किचन्स वेयर। 5.7.1 किचन वेयर्स आर जनरली क्लीन बाय सोप एंड डोंट नीड टू डिसइंफेक्टेंट सेपरेटली। रसोई के सामान का कीटाणु शोधन यानी कि कीटाणु कैसे निकाल सकते हैं हम रसोई से। रसोई के सामानों को आमतौर पर साबुन से साफ किया जाता है और उन्हें अलग से कीटाणु रहित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5.8 डिसइंफेक्शन ऑफ क्लॉथ्स। कपड़ों की कीटाणु शोधन यानी कि कपड़ों से हम कैसे कीटाणु निकाल सकते हैं। 5.8.1 वॉश यूअर क्लॉथ्स इमीडिएटली विद डिटर्जेंट व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड द होम। घर के बाहर आने पर अपने कपड़ों को तुरंत डिटर्जेंट से धोए। 5.8.2 वॉश यूअर टॉवेल एंड डेली यूज क्लॉथ फ्रिक्वेंटली। अपने टॉलिया और दैनिक उपयोग के कपड़ों को अक्सर धोए। 5.9 डिसइंफेक्शन ऑफ हैंड्स। 5.9.1 वॉश यूअर हैंड फॉर एट लीस्ट 20 सेकंड विथ वाटर एंड सोप। हाथ का कीटाणु शोधन यानी कि हाथ को डिसइंफेक्टेंट कैसे जा सकता है यानी कि कीटाणु कैसे निकाले जा सकते हैं, तो अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक पानी या साबुन से धोए। 5.9.2 रब द सोप ऑन पाल्म मिडल ऑफ फिंगर नेल्स एंड ब्रश प्रॉपरली फॉर 20 सेकंड एंड वॉश्ड विथ वाटर। हथेली उंगलियों के बीच नाखून और कलाई में 20 सेकंड तक साबुन को रगड़े और पानी से धोए। 5.9.3 अल्टरनेटली यू कैन यूज सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल बेस्ड 70% ऑफ हैंड सैनिटाइजर टू डिसइंफेक्ट द हैंड्स। वैकल्पिक रूप से आप अपने हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अल्कोहल आधारित 70% हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। नोट, यू डोंट नीड टू सैनिटाइज यूअर हैंड फ्रिक्वेंटली अनलेस यू गो आउट ऑफ योर होम, बट सैनिटाइज योर हैंड बिफोर ईटिंग एनीथिंग। नोट क्या है, जब तक आप अपने घर से बाहर नहीं जाते तब तक आपको अपने हाथों को बार बार साफ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ को साफ कर लीजिए। 5.10 डिसइंफेक्शन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। 5.10.1 इन करंट सर्कमस्टेंसेस इट इज़ नेसेसरी टू डिसइंफेक्टेंट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बिफोर कंजम्पशन। यानी कि सब्जियों को और फलों को कैसे कीटाणु शोधन कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट कैसा कर सकते हैं, तो वर्तमान परिस्थितियों में इस्तेमाल से पहले सब्जियों और फलों को कीटाणु रहित करना आवश्यक है। 5.10.2 वॉश द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स विथ 2% सोप और डिटर्जेंट सॉल्यूशन बाय रबिंग विथ हैंड। हाथों से रगड़कर सब्जियां और फलों को 2% साबुन डिटर्जेंट के घोल से धोए। 5.10.3 क्लीन विथ टैप वाटर। नल के पानी से भी आप साफ कर सकते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को। 5.10.4 स्टोर इन रेफ्रिजरेटर फॉर यूज। उपयोग के लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। 5.11 डिसइंफेक्शन ऑफ पैकेज्ड मिल्क। पैकेज्ड मिल्क का कैसे कीटाणु शोधन कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन कैसा कर सकते हैं। 5.11.1 वॉश द पैकेट विथ 2% ऑफ सोप डिटर्जेंट सॉल्यूशन बाय रबिंग विथ हैंड। हाथ से रगड़कर पैकेट को 2% साबुन या डिटर्जेंट के घोल से धोए।
5.11.2 वॉश विद टैप वाटर, नल के पानी से धोए। 5.11.3 कट द पैक पोर इंटू पैन एंड हीट टू बॉयल। पैक को काटे, पैन में डाले और उबालने के लिए गर्म करें। 5.11.4 इफ यू टेक मिल्क फ्रॉम मिल्कमैन देन मेक प्रॉपर डिस्टेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड बॉयल द मिल्क इमिजिएटली। यदि आप दूध वाले से दूध लेते हैं तो प्रक्रिया के दौरान उचित दूरी बनाए रखें और दूध को तुरंत उबालें। 5.12 डिसइंफेक्शन ऑफ फूड मटेरियल, यानी कि खाद्य की जो सामग्री है का उसका कीटाणु शोधन कैसा कर सकते हैं, कीटाणु शोधन यानी कि डिसइंफेक्टन कैसा कर सकते हैं। 5.12.1 अनपैकेज्ड फूड मटेरियल दैट कैनॉट बी वॉश्ड मस्ट बी स्टोर एट डेडिकेटेड प्लेस फॉर एटलीस्ट 72 हावर्स और एज पर एनेक्सर 1 बिफोर इट्स कंजम्पशन। बिना धोए जाने वाली खाद्य सामग्री को कम से कम 70% तक या अनुलग्न एनेक्सर 1 के अनुसार समर्पित स्थान पर इसके उपयोग के पहले संग्रहित करना चाहिए, यानी कि जो पैक किए हुए हैं तो 70% हमको होने देने चाहिए। 5.12.2 अवॉइड परचेसिंग द डेली 5.12.2 डेरी प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट एंड यू कैन प्रिपेयर स्वीट्स एंड अदर प्रोडक्ट एट यूअर होम। बाजार से डेरी प्रोडक्ट उत्पादन खरीदने से बचे और आप अपने घर पे मिठाई और अन्य उत्पादन तैयार कर सकते हैं। 5.13 डिसइंफेक्शन ऑफ अदर आइटम, अन्य वस्तुओं का कीटाणु शोधन कैसे कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन कैसे कर सकते हैं। 5.13.1 द नॉन फूड आइटम मस्ट बी स्टोर्ड एट डेडिकेटेड प्लेस फॉर एटलीस्ट 72 हावर्स और एज पर एनेक्सर 1 बिफोर यूज। गैर खाद्य पदार्थों को कम से कम 70 घंटे के अनुलग्न वंस के अनुसार समर्पित स्थान पर उपयोग करने से पहले संग्रहित किया जाना चाहिए। इनकी जो एक टेबल है मैंने आगे दिया है उसके अनुसार हम उसको रख सकते हैं। 5.14 बूस्ट योर इम्यूनिटी पावर, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को कैसे बढ़ाएं। 5.14.1 इट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी दिस डे, इन दिनों हर किसी के लिए प्रतिरक्षा में सुधार करना आवश्यक है। 5.14.2 डेली प्रैक्टिस योगासना प्राणायाम एंड मेडिटेशन फॉर एट लीस्ट 30 मिनट, दैनिक योगा सोन प्राणायाम और ध्यान से कम 30 मिनट, यानी कि सब कुछ हमें 30 मिनट तक करना चाहिए डेली। 5.14.3 ड्रिंक हर्बल टी काढ़ा मेक फ्रॉम बासिल, तुलसी, सिनेमोन, दालचीनी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ड्राई जिंजर, सुंठ एंड राइसिन, मनुका, 1 or 2 a day, एड जैगरी, गुड़ एंड और फ्रेश लेमन जूस टू यूअर टेस्ट इफ नीडेड। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सूखी अदरक, सूंठ और मनुका से बनी हर्बल चाय का काढ़ा हमें 1 या 2 बार पीना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो गुड़ और ताज़े नींबू के रस भी हम उसमें स्वाद के लिए डाल सकते हैं। अभी एब्रीवेशन क्या है, यानी कि लघु रूप क्या है, यानी जो मैंने बड़े बड़े नाम दिए हैं, यानी कि COVID-19, तो COVID-19 का फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस डिसीज 2019, यानी कि COVID-19। अभी मैंने बाद में आपको बताया था कि एनेक्सर वन के
टेबल के अनुसार कौन से धातु पर कैसा कोरोना वायरस रहता है। सर्वाइवल टाइम ऑफ कोरोना वायरस ऑन डिफरेंट सरफेसेस, विभिन्न सतहों पर कोरोना वायरस के अस्तित्व का समय। एल्यूमिनियम पर 2 से 8 घंटे यानी कि 2 to 8 hours। लकड़ी पर 4 days। प्लास्टिक पर 2 to 5 days। मेटल पर 5 days। पेपर पर 3 घंटे टू यानी कि 3 hours to 5 days। सिरेमिक पर 5 days। स्टील पर 2 to 28 दिन तक रहता है यानी कि 2। कांच पर, ग्लास पर यानी कि 4 to 5 days। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मुझे लगता है आपको ये मैंने दी गई है घर पर COVID-19 से कैसे बचना चाहिए, ये एसओपी हमें घर में बाहर बहुत यूज़ आएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है फार्मा केमिकल डिजिटल लाइब्रेरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस योर वीडियो। थैंक यू।